न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। आज फिर एक हम सामाजिक विषय पे बात करेंगे आपसे। कुदरत का कहर भी जरूरी था साहब, वरना हर कोई खुद को खुदा समझ रहा था। जो कहते थे कि मरने तक ही फुर्सत नहीं है, वे आज मरने के डर से घर में फुर्सत में बैठे हुए। माटी का संसार है, खेल सके तो खेल, बाजी रब के हाथ में, पूरा विज्ञान फेल। मसरूफ थे सारे अपनी जिंदगी की उलझनों में, जरा भी जमीन क्या खिसकी, सबको ईश्वर की याद आ गई। ऐसा भी वक्त आएगा ये पता नहीं था, इंसान का डरेगा इंसान से, ये किसी को पता नहीं था। आज हमारे पशु बहुत खुश होंगे। मैं अब बताना चाहूँगा, हमारे पूर्वजों के टाइम पे, इस पुराने में 20 साल पहले की बात करूँ तो उस टाइम पे क्या होता था। हमारे पूर्वजों ने शौचालय, स्नान घर, निवास स्थान के बाहर बनाए होते थे। क्यों बाल कटवाने के बाद या किसी के दाह संस्कार के घर वापस आने पर स्नान करना होता था बिना किसी व्यक्ति या सामान को हाथ लगाए हुए। क्यों पैरों की चप्पल या जूते घर के बाहर उतारे जाते थे, घर के अंदर लाना निषेध था। क्यों घर के बाहर पानी रखा जाता था और कहीं से भी घर वापस आने पर हाथ धोने के बाद में ही प्रवेश मिलता था। क्यों ज्वाइंट फैमिलियाँ होती थी, दादा पोती परदादा एक छत के नीचे रहा करते। क्यों जन्म या मृत्यु के बाद घर वालों को 10 या 13 दिन तक सामाजिक कार्यों से दूर रहना होता था। क्यों किसी घर में मृत्यु होने पर भोजन नहीं बनता था। क्यों मृत व्यक्ति और दाह संस्कार करने वाले व्यक्ति के वस्त्र शमशान में त्याग देने पड़ते थे। क्यों भोजन बनाने से पहले स्त्रियों का स्नान करना जरूरी होता था। क्यों स्नान के पश्चात किसी अशुद्ध वस्तु या किसी व्यक्ति के संपर्क से बचा जाता था। क्यों प्रातःकाल स्नान करके घर में अगरबत्ती, कपूर, धूप, घंटी और शंख बजाकर पूजा की जाती थी। ये सब हम क्यों करते थे, हमने अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित नियमों को ढकोसला बनाकर छोड़ दिया और पश्चिम का अंधा अनुसरण करने लगे। आज कोरोना वायरस ने हमें फिर से अपने संस्कारों की याद दिलाई है, उनका महत्व बताया है। हिंदू धर्म, ज्ञान और परंपरा हमेशा से ही समृद्ध रही है। आज वक्त अपनी आंखों पर पड़ी धूल को झाड़ने का और ये उच्च संस्कार अपने परिवार बच्चों को देने का, दोबारा तीन पीढ़ियों को एक साथ एक छत के नीचे लाने का, ताकि दुख के समय, तकलीफ के समय और ऐसे माहौल में जो आज हम गुजर रहे, सब लोग मिल करके बच्चों को साथ में अपना समय गुजारे, दादा अपने पोते पोतियों को खिलाए, उनको कहानियां सुनाए, उनको मॉरल वैल्यूज दे, संस्कार दे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से इन बातों को हम फिर अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। ये हमें प्रकृति ने सिखा दिया है और हम सभी लोग खुश रहेंगे। मैं चाहता हूँ सब लोग हम सेफ रहें, स्वस्थ रहें, आने वाले समय को हंसते हंसते गुजार दें। बहुत एक गोल्डन पीरियड आने वाला है हम सबके लिए।